हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ट्रेवर सर्वे का ये दूसरा वीडियो है, ट्रेवर सर्वे पार्ट टू। पार्ट टू में हमने ट्रेवर्स की टाइप्स, ट्रेवर्स की डेफिनेशन, ट्रेवर्स की टाइप, ट्रेवर्स की एक्यूरेसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ी थी। चलिए दूसरा वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं दूसरे वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। ये लेसन टू है। लेसन टू में सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग, कि ट्रेवर्सिंग करने के कितने तरीके हैं। ट्रेवर्सिंग करने के चार मेन तरीके हैं। चेन एंड कंपास मेथड, इसमें चेन से डिस्टेंस मेजर किए जाते थे और कंपास से लाइनों की बेरिंग जो है वो पढ़ी जाती थी। सबसे पहला और पुराना मेथड यही इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं इस्तेमाल होता है। प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग, इसमें प्लेन टेबल के ऊपर लगी हुई नीडल में से देखते हुए जो है वो लाइनें लगाई जाती थी और फिर टेबल के ऊपर लगी कंपास से ट्रेवर्स के एंगल जो है वो या बीरिंग जो है वो पढ़ ली जाती थी और मेजरिंग टेप से जो है वो लाइनों के डिस्टेंस मेजर किए जाते थे। तीसरा है फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड में चेंजेस आती रही हैं। पहले ट्रांजिट थियोडोलाइट आए, फिर डिजिटल थियोडोलाइट्स आए, फिर अभी आजकल टोटल स्टेशन आ गए हैं। इसमें दो मेथड्स हैं, मेयर्स मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन सक्सेसिव लाइंस। एंगल आपके दो टाइप का हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसमें है कि ये हमारी एक ट्रैवर्स है, ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन से आपने जब पहला पॉइंट पढ़ लिया तो अब हम क्लॉकवाइज चल पड़े हैं। वन से हम टू पे चले गए, टू पे जाके आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया है, वन को आपने बैक साइड किया है। अगर क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज जाते हुए आपने एंगल भी क्लॉकवाइज ही पढ़ा है, जैसे इसको बैक साइड करके आपने ये डायरेक्शन पढ़ी, जैसे ये 234 है, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है क्योंकि ये आपके ट्रैवर्स के बाहर बन रहा है। लेकिन अगर आप सेम स्टेशन पे लगा के उसी पॉइंट वन को बैक साइड करके काउंटर क्लॉकवाइज में जाते हैं, घड़ी की उल्टी सीमत में अगर आप चलते हैं, जिसे ये 126, तो ये आपका इंटरनल एंगल है। तो याद रखें, अगर आपकी ट्रेवर्स में आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इंटरनल एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। दूसरी चीज, अगर आप इसी ट्रेवर्स में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, कि हमने पहले एक से बेस लाइन पढ़ी, बाद में हम पॉइंट नंबर फाइव पे आ गए, वन को हमने बैक साइड किया है, लेते हुए हमने इस तरह, ये देखिए, इस तरह जिस तरह घड़ी की सीमत होती है, क्लॉक वाइज चलते हुए हमने जब इस लाइन के एंगल पढ़ेंगे तो वो हमारा इंटरनल एंगल बनेगा। और अगर काउंटर क्लॉक वाइज पढ़ेंगे, घड़ी की उल्टी सीमत में पढ़ेंगे, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बनेगा। दूसरा मेथड है डिफ्लेक्शन एंगल्स। डिफ्लेक्शन एंगल्स में काउंटर का इंटरनल एक्सटर्नल का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि सारे डिफ्लेक्शन एंगल मोस्टली आपके एक्सटर्नल एंगल ही बनते हैं लाइन के। उसमें ये होता है कि जो आपने एक लाइन पढ़ी है, जैसे हमने वन से ये दूसरा स्टेशन लगाया, इसी लाइन पे आगे एक रेफरेंस लगा लिया जाता है, तो बाद में जब हम स्टेशन टू पे आएंगे, वन से हम टू पे आ गए हैं, अब हम वन को बैक साइड नहीं करेंगे, बल्कि आगे जो रेफरेंस लगाया हुआ है उसको फोकस करके उससे अपना जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली, ये एंगल पढ़ेंगे कि ये कितने डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुई है। तो ये है डिफ्लेक्शन एंगल्स। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सेम आप इस लाइन को एक्सटेंड करके ये एंगल पढ़ेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। ओके, एंगल पढ़ लिया आपने। उसके बाद अब है कि ट्रेवर्स को आपने क्लोज करना है। ट्रेवर्स क्लोजिंग और या ट्रेवर्स कैलकुलेशन या क्लोजिंग के दो मेथड मोस्टली जो यूज होते हैं, उनमें पहला है कंपास और बॉर्डिज मेथड। ज्यादातर फील्ड में यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इजी और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इस मेथड में जो टोटल एरर आता है आपका ट्रेवर्स का, उसको ट्रेवर्स की टोटल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर हर लेंथ की मल्टी लाइन की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके उनको जो है एडजस्ट कर लिया जाता है। दूसरा मेथड है ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है, कम यूज होता है। डिफरेंस सिर्फ इसमें क्या है कि जो आपके लैटीट्यूड या जो आपका लैटीट्यूड्स का जो एरर आएगा, उसको हम टोटल लैटीट्यूड की जो हमारी वैल्यूज आएंगी उस पर डिवाइड करके
बाद में जो लाइन की लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस या माइनस कर देंगे। सेम डिपार्चर में जो आपका एरर आएगा, तो एरर इन द डिपार्चर को हम जो सम ऑफ डिपार्चर, जो हमारे डिपार्चर का टोटल आएगा, उस पर डिवाइड करके बाद में लेंथ से मल्टीप्लाई करके हर लाइन में प्लस या माइनस करके एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चीज जो ट्रेवर्स के लिए आपको पता होनी चाहिए वो बीयरिंग या अजीमत का पता होना चाहिए कि बीयरिंग क्या चीज है और अजीमत क्या चीज है। अगर आपको बीयरिंग और अजीमत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप ट्रेवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। तो ये दो चीजें हैं, बीयरिंग और अजीमत। बीयरिंग, इसको रिड्यूस्ड बीयरिंग भी कहा जाता है और आमतौर पर आर बी लिखा जाता है। इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान होती है और ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन लिखी जाती है। जैसे जो भी वैल्यू आएगी 0 से 90 के दरमियान उसके साथ उसकी वैल्यू लिखी होगी। जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये लाइन है, अगर इसकी ये बीयरिंग हमने पढ़ी है, ये जो 46 डिग्री नजर आ रहा है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमने इसको नॉर्थ से शुरू किया और ईस्ट पे आए, तो जब हम ये लिखेंगे 46 डिग्री रिड्यूस्ड बीयरिंग तो हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ताकि जो पता चले कि ये किस क्वाड्रेंट में है। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो फिर हम इसको साउथ पोल से पढ़ेंगे। जैसे ये 38 डिग्री आपको नजर आ रहा है, फिर इसकी जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी साउथ टू ईस्ट, क्योंकि क्या कि आपने साउथ से शुरू किया है और ईस्ट की तरफ आप गए हो, तो ये साउथ ईस्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी ये लाइन आएगी, क्योंकि आपने साउथ से स्टार्ट किया और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसके साथ जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो साउथ वेस्ट लिखी जाएगी। फोर्थ में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी बीयरिंग लाइन आ रही है, क्योंकि आपने नॉर्थ से हमने शुरू किया है और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन की डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ वेस्ट आएगी। जैसे ये देखें, मैंने लिख दिया इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ ईस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट। ये था आपका बीयरिंग, रिड्यूस्ड बीयरिंग। दूसरी अजीमत, अजीमत को होल सर्कल बीयरिंग भी कहा जाता है और आमतौर पर इसे शॉर्ट वर्ड में WCB लिखा जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है, ये क्योंकि पूरे सर्कल पे पड़ी जाती है और हर बार नॉर्थ डायरेक्शन से ही पड़ी जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है। अजीमत या होल सर्कल बीयरिंग की दो टाइप्स हैं, फोर बीयरिंग जिसको FBB भी लिखा जाता है और बैक बीयरिंग जिसको BBB लिखा जाता है। फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक वो एंगल मेजर करेंगे तो वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑलरेडी हमने देख लिया। अब है कि रिड्यूस्ड बीयरिंग और होल सर्कल बीयरिंग में अगर एक हमारे पास है तो दूसरी को कैलकुलेट किया कैसे जा सके, क्योंकि ये हमको जब हम ट्रेवर्स कैलकुलेट करेंगे, स्पेशली अगर आपने ट्रेवर्स करते हुए क्वारिनेट्स लिए हैं साइड से, और क्वाड्रेंट्स की मदद से जब आपने अपनी बीयरिंग्स निकालनी है तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्यों? क्वाड्रेंट से आपकी जो बीयरिंग निकलेगी वो रिड्यूस्ड बीयरिंग होगी, और फिर उस रिड्यूस्ड बीयरिंग को आपने होल सर्कल बीयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम होती हैं, रिड्यूस्ड बीयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बीयरिंग। क्यों? दोनों नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होती हैं और सेम लाइन के ऊपर आके खत्म हो जाती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है, जैसे ये आपके सामने देखिए, जो रिड्यूस्ड बीयरिंग है, होल सर्कल बीयरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस रिड्यूस्ड बीयरिंग। क्यों? यहां से यहां तक हमको एंगल का पता है कि ये 180 डिग्री है। जैसे देखिए 0 180, और ये 38 हमने मेजर कर लिए। अब हमको चाहिए क्या? इस लाइन से लेके इस लाइन तक का एंगल, तो हम टोटल 180 से ये एंगल माइनस करेंगे तो हमारी होल सर्कल बीयरिंग आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपकी बीयरिंग होती है, होल सर्कल बीयरिंग होती है 180 डिग्री प्लस रिड्यूस्ड बीयरिंग। जैसे ये हमको पता है कि अगर इधर से हम शुरू करते हैं चलते हुए इस लाइन पे आएंगे तो ये एंगल 270 डिग्री बनेगा, ये पूरा अगर हम यहां से शुरू करके ये जो एंगल है 270 डिग्री आपका बनेगा। और रिड्यूस्ड बीयरिंग, क्योंकि हमने साउथ पोल से शुरू किया है करके हम इस एंगल तक आ गए हैं। अब हमको चाहिए कि यहां से लेके यहां तक अगर हम पढ़ते हैं तो कितना एंगल बन रहा है। ये एंगल ऑलरेडी हमको पता है कि ये 180 डिग्री है, ये हमने पढ़ लिया है, मतलब 180 ये प्लस करेंगे तो इस लाइन की होल सर्कल बीयरिंग या अजीमत है वो हमारे पास आ जाएगी।
सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमने नॉर्थ से पढ़ा है तो हमको पता है अगर हम जीरो से शुरू करके वापस उसी लाइन पे आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब 360 का हमको पता है, 360 से ये एंगल हमने पढ़ लिया है, हमको चाहिए कि इस लाइन से अगर ऐसा चलते हुए हम इस लाइन तक आते हैं तो ये एंगल कितना है, तो हम 360 से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बाकी बच जाएगा। तो ये था कि एक बेरिंग से दूसरी बेरिंग कैसे मालूम की जाती है। नेक्स्ट चीज, जब आपने बेरिंग्स भी कर ली उसके बाद आ जाता है आपकी कैलकुलेशंस, जो आपकी ट्रेवर्स में अपने वैल्यूज निकालनी है। कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपने ईस्टिंग या डिपार्चर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए होता है कि साइन ऑफ थीटा, थीटा अगर आपका जो बेरिंग है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस माइनस जो हमारी फर्स्ट ईस्टिंग होगी। इसी तरह नॉर्थिंग, जिसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है, उसके लिए जो फार्मूला है वो है कॉज ऑफ बेरिंग मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस माइनस फर्स्ट नॉर्थिंग। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर टू। लेक्चर थ्री में हम बकायदा ट्रेवर्स कैलकुलेट करनी शुरू करेंगे। मैंने एक ट्रेवर्स की हुई है जिसके मेरे पास इंटरनल एंगल पड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी ने ट्रेवर्स की हुई है और उसके पास ट्रेवर्सिंग का, वो चाहता है कि उसके डेटे को हम यूज करें, आप मुझे वो डेटा भेज दो, मैं उसी से कैलकुलेट कर दूंगा। नहीं तो कल मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है मैं उसी से कैलकुलेट करके, तो उसी के साथ ही कल हमारा ट्रेवर्स का जो लेक्चर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। वीडियोज अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझनी है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। मैं उस कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके सवाल को जवाब दिया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।